I think you would all agree with me, it was an outstanding performance. तो हम लोग आज गुड मॉर्निंग और आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर पाएंगे। और गाइस ये सुबह सुबह मैंने रेडी हो गया, ये मस्त नहा धोवा के फ्रेश हो गया। एक्चुअली आज वो प्रोग्राम है वो रोज का स्कूल में, तो आज जाएंगे डीपीएस स्कूल। गाइस डीपीएस स्कूल वहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह फंक्शन वगैरह है, तो वहाँ कुछ देखते हैं, वीडियो वगैरह बनाने देंगे तो वीडियो वगैरह बनाएंगे। वैसे तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, रेडी हो गए सारे, बड़ी मम्मी वगैरह सारे रेडी हो गए उधर, अभी ऊपर गए हुए हैं उधर रूम में। तो फिलहाल अभी सूट वगैरह पहनते हैं, सूट वगैरह नहीं पहना फिर निकलते हैं जल्दी से, लेट हो रहा है हम लोग का। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद गाइस आप लोग से। ये गाइस डीपीएस स्कूल में हैं, निरंतर बढ़ते रहे तो मंजिल मिल ही जाती है। हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती प्रिया नारायणन जी के मार्गदर्शन का ही ये परिणाम है कि हम एक नए विषय के साथ वार्षिकोत्सव के रूप में नए रंगों की छटा बिखेरते हैं और उपस्थित सभी जन को उन रंगों से सराबोर कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, आई एक्सटेंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू to the annual stage presentation Namo Nama Bharataya. It is my proud privilege to welcome our honorable chief guest Dr. Kiran Datar, chairperson DPS Dwarka. राष्ट्र पूजे जाते हैं, हाँ वही चलो, हम आपको अतुल्य भारत दिखाते हैं। प्रस्तुत है अतुल्य भारत की रंगमंचीय प्रस्तुति नमो नमः भारताय। ये किसकी तपोभूमि है, विश्व की किस प्राचीन संस्कृति का आगाज हो रहा है। कल्पना के सहारे इतिहास का निर्माण कर कौन इस धरती के रज कण में सुगंध फैला रहा है। भारती भगवती पर
मैं इतिहास हूँ, इतिहास हूँ, इतिहास हूँ। मेरा एक गौरवशाली अतीत है, अनेक विध्वंस और निर्माणों का मैं साक्षी रहा हूँ। कभी अंधकार ने तो कभी उजालों ने मुझे पनाह दी। और मैं कल्पना हूँ, वक्त की हवाओं के साथ बहना मेरी किस्मत है और मेरी फितरत भी। जिंदगी की रवानी में वक्त के ना जाने कितने मंजर मैंने देखे हैं। बसने, उजड़ने और फिर से बसने की एक अंतहीन दास्तां जो आज भी मेरे दिल में दफन है। मिट्टी के जर्रे जर्रे ने वक्त के करतब देखे और उन फसानों को मैं दिल की किताब में लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया। इतिहास मुझे तुम्हारे अतीत के पन्नों की सरसराहट सुनाई दे रही है। कल्पना, मैं तुम्हें अपने हृदय पटल पर अंकित होने वाले प्रारंभिक पृष्ठ से रूबरू कराता हूँ। हे सखी, कितनी अद्भुत आत्मीय सुख प्रदान करने वाली तपोभूमि है ये। सत्य है शकुंतला, नैसर्गिक सुख की अनुभूति हो रही है। चौहान, मृत्यु को समीप देखकर कैसा आभास हो रहा है? जयचंद की मुखबरी से युद्ध जीतकर अपनी विजय पर प्रसन्न होने वाले गौरी, तुम तो बादशाह कहलाने योग्य भी नहीं हो। खामोश, इतनी हिमाकत, तुम्हारा सिर दाजी में माहिर हो, मरने से पूर्व इसका नजारा नहीं दिखाओगे? 14 बार शिकस्त पाकर अभी भी नजारा देखने की इच्छा रखते हो? तुम्हारी आंखें तो हमने पहले ही निकाल ली है, अब देखना चाहता हूं कि बिना आंखों के अपने तीरंदाजी का हुनर कैसे कर पाते हो।
तो फिर हो जाए तीरंदाजी का मुकाबला। यदि तुम इसमें विजयी हुए तो तुम्हें मुक्त कर दिया जाएगा। गौरी, राजपूत योद्धा मृत्यु से नहीं डरता, वो तो उसका आलिंगन करता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का सामर्थ्य ये राजपूत चौहान अभी भी रखता है। क्यों कवि चंद्रबरदाई, आज अपना काव्य कौशल नहीं दिखाओगे? अवश्य महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता पर बैठा शाह है मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। हम सब ने अपने संघर्ष के लिए अहिंसा का चयन किया है और हमें इस पर कायम रहना है। हम में से किसी को भी क्रोध में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। बस आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है। आज मैं आपको स्वतंत्रता प्राप्ति का एक मंत्र देता हूं, करो या मरो। बस इस बात का ध्यान रखें कि आंदोलन हिंसात्मक ना हो। पटेल, आप इन्हें समझाएं कि किसी को भी क्रोध में आकर हिंसा का साथ नहीं देना है। भाइयों, शत्रु का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। हमारा एकमात्र स्वप्न है अखंड भारत, जिसमें शांति और सौहार्द का साम्राज्य हो। तिलक, स्वराज्य के विषय में आपका क्या विचार है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा स्वराज जब तक मेरे भीतर जीवित है, मैं कमजोर या बूढ़ा नहीं हो सकता। कोई भी ताकत हमारे इस हौसले को पस्त नहीं कर सकती। हम स्वराज की मांग करते हैं और करते रहेंगे। इस वक्त हम सबकी एक ही आवाज है, अभी नहीं तो कभी नहीं। संकल्प कीजिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
फंक्शन आप निकल रहे सारे लोग डीपीएस वाले गाइस ही उधर डीपीएस कैंपस ही है तो फोटो खिंचाने चलते हैं रोज अंदर के आज खूब डांस करी मजा आ गया देखेगा रूम तेरा क्लासरूम कहाँ है ऊपर ये हेरे ऊपर वो छोड़ जब मैं देख रही थी ना मेरे को अपने टाइम पे याद आ रहा था कि भाई हम भी उसमें एक्टिंग कर रहे थे किसी टाइम पे मैं अपनी झांसी देखो यहाँ कौन खेलता है आर्ट स्कूल हाँ इसको यहाँ ही ले यही रोज छोड़ने आता हूँ ऐसे ये कैंटीन में कुछ चला कुछ अपना उधार चलता है इसका कैंटीन है आज यहाँ पे घुसने को मिला है मौका मिला इसलिए हमने घुसा है आज डांस वगैरह ये लोग करा मजा आया ना डर लग रहा डर लग रहा था अरे अरे बहुत हमें तो बहुत मजा आया देखने में अपने कैंटीन में कुछ नहीं चलो फिलहाल हम ये इनका कैंटीन है गाइस यहाँ अब खाते हैं कुछ कुछ चलो खिला तुम
अरे चलो, तुम्हारे से उधारी चल रहा है ना, तू तो कह रही थी उधारी चलता है। नहीं मैं तो मांग रहा हूँ तेरा नाम लिख करके। नहीं नहीं भाई ऐसे। अरे तुम्हारा कैंटीन में कब पहन के जाऊंगी, अच्छा कैंटीन में पता नहीं मिल ही नहीं रहा है कुछ यार, बहुत वेट करा रहे हैं। कैसा था वैसे? अरे मजे आ गए, सही में मजा है। पहले तो मुझे लगा कि नहीं, क्या बोलते हैं, मैं पहले फोन नहीं निकाला था पता है, मैं सबसे आगे, और क्या बोलते हैं वो, जब तुम आई थी ना वहाँ पे तो देखा अरे राजस्थानी, फिर मैंने देखा अरे, फिर डांस देख के मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बना लिया था। पहले का नहीं बनाया? हाँ बनाया था, हाँ हाँ बनाया था। हाँ अरे रोज तो कहाँ भग गई, अब फोटो शूट कर रहे हैं ऐसे हम लोग। चलो गाइस अब घर चलते हैं, घर जा रहे हैं गाइस अब तो, ये अब तो घुसने को नहीं मिलेगा, अब सीधा घर में मिलेंगे गाइस चलते चलते। अब ये ग्राउंड उधर साइड है, कुछ फंक्शन वगैरह होता है तभी घुसने देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं गाइस। रोज मैं यहाँ छोड़ने आता हूँ ये स्कूल, डीपीएस स्कूल, दोस्तों आप लोग यहाँ तक आने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत मजा आया होगा, थोड़ा बहुत आप लोग को पसंद आया होगा। तो गाइस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।